बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान सालों से चेन स्मोकर रहे हैं। एक इंटरव्यू में खुद शाहरुख ने बताया था कि वो दिन की 100 सिगरेट पी जाया करते थे। हालांकि अब सालों बाद उन्होंने स्मोकिंग छोड़ने का फैसला लिया है। हाल ही में अपने 59वें जन्मदिन के खास मौके पर एक इवेंट का हिस्सा बने शाहरुख ने फैंस से बातचीत के दौरान बताया है कि उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी है। हालांकि इसके चलते उन्हें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। बीते शनिवार शाहरुख खान अपने जन्मदिन पर बांद्रा स्थित रंग मंदिर ऑडिटोरियम में आयोजित हुए एक इवेंट का हिस्सा बने थे। इस दौरान मंच पर उन्होंने कहा, एक और अच्छी बात है दोस्तों, अब मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूं। शाहरुख की ये बात सुनकर ऑडिटोरियम में फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आगे शाहरुख ने बताया है कि उन्होंने सोचा था कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि मुझे सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं अभी भी फील कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। बताते चलें कि कुछ सालों पहले ही शाहरुख ने कहा था कि वो अपने बच्चों आर्यन, सुहाना और अबराम के लिए स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या है कहना, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।